दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जिनको रिक्वायरमेंट है किसी मॉडल्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो आप उनको ज़रूर इसे शेयर करें और इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये 18x48 फिट में पूरा मॉडल क्रिएट किया है मैंने। 18 फिट इसका चौड़ाई है और 48 फिट लंबाई है विद कार पार्किंग। और इसमें मैंने आगे एक दुकान भी निकाल दी। अगर आप दुकान नहीं निकालना चाहते, इसे बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। तो पूरा मॉडल डिस्कस करूंगा। तो ब्रांड वीडियो लगातार मैं हूं पवन झाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें सब, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेटेड और न्यू मॉडल्स लगातार मिलते रहते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा शोरगुल मच रहा हो, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ हो सकता है आपको आ रही हो। तो आज का जो प्लान है 18x48 फिट में, उसे मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन तो आपका ये, जैसा कि आप स्टार्टिंग से समझ गए होंगे, ये एक मेन डोर है। ये देखिए मेन डोर के ऊपर जाली है वेंटिलेशन के लिए। साइड में ये मैंने शटर लगा रखा है दुकान के पर्पज़ से। अगर आप दुकान नहीं देना चाहते तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, टोटल जगह आपके पास 18 फिट है, जिसमें आपको 10 फिट अप्रॉक्स में ये कार पार्किंग के लिए रखना पड़ेगा, जिसमें 10 फिट का एक गेट लगा है, चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। और इधर जो बाकी एरिया बचता है, उसमें आप अपनी दुकान या बेडरूम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब 3 साइड क्लोज्ड है, 3 साइड से बंद है, फ्रंट से ही ओपन है। और अब मैं बात करता हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर ये है, देखिए मेन डोर ये है, इसके ऊपर ग्रिल है, ये आपका शटर है अगर आप दुकान निकलना चाहते हैं। तो ऐसे आप देखिएगा, इसका टॉप व्यू मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा जगह आपको बचती है। ये पूरा कार पार्किंग के लिए मैंने जगह छोड़ी है। इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक लगभग आपका 20 फिट एरिया मैंने छोड़ रखा है। ये लगभग आपका 20 फिट एरिया है। उसी में साइड से स्टेयर्स हैं, जैसे चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर बाहर की तरफ आएंगे, इसके नीचे आराम से आपकी कार पार्किंग हो जाएगी। इसका ये आपका दुकान एरिया मैंने निकाल दिया, जो आगे मैंने वही लगभग अप्रॉक्स 7 फिट का चौड़ाई का होगा, लंबाई आप 12 फिट है। ये एक डोर भी दे दिया है अंदर से भी, और बाहर से शटर लगा ही है। इसका मेन डोर ये है, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये आपका एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीछे इसके जस्ट किचन बना हुआ है। तो जैसे आप इस मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में। ये आपका डाइनिंग एरिया है और इस डाइनिंग एरिया से ही आपकी सभी जगह एंट्री है। लेट एंड बाथ को एक्सेस करना है, अगर लेट एंड बाथ को जाना है तो ये देखिए डोर मैंने दिया, ये आपका पूरा लेट एंड बाथ मैंने यहाँ कंबाइंड क्रिएट किया है। इसके बाद ये आपका जो डाइनिंग एरिया, इसके जस्ट सामने किचन एरिया, ये देखिए किचन एरिया आपको दिख रहा होगा, इसीलिए आगे से मैंने विंडो दिया जिससे वेंटिलेशन होता रहे। इस डाइनिंग एरिया के जस्ट पीछे 2 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं, जो कि 18 फिट में 2 बेडरूम लगभग आपके 8.5-8 फिट के बेडरूम बनेंगे, क्योंकि दीवार्स भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन लंबाई की बात करें तो वही मैंने लगभग 13 फिट लंबाई रखी है। तो ये आपके 2 बेडरूम पीछे मिल जाते हैं, डाइनिंग एरिया मिल जाता है, किचन मिल जाता है, इसका ये लेट एंड बाथ मिल जाता है। इसे आप एज अ दुकान बना सकते हैं या बेडरूम बना सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, आप जो भी चाहें। और ये आपका कार पार्किंग एरिया और स्टेयर्स हो जाती है। तो ग्राउंड फ्लोर का एक बेहतरीन सा प्लान आपके सामने ये बना हुआ है। और देखो ये कार पार्किंग दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी 10 फिट से अगर जगह कम होती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो अगर हम छोटी कार की बात करें, वैगनार वगैरह की, ये भी लगभग 5.5-6 फिट की होती हैं, तो आपको एंट्री करने में, ऊपर ले जाने में प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए लगभग आप 10 फिट का चौड़ाई में कार पार्किंग जरूर रखें। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर एरिया हो गया, जैसा कि मैं और आपको जूम करके दिखाता हूँ, इससे आपको उसका रियलिस्टिक भी और पता चल सके क्या कहाँ पर बना है। बात करें लास्ट फ्लोर की, तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जिसमें 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री मैंने दिया है। फ्रंट में देखिए ग्रिल इस्तेमाल किए, जो कि एक बेहतरीन सी ग्रिल, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है यहाँ कलर में। और ये गुमटी है जो स्टेयर्स को ढकने के लिए, गुमटी छत को जब आप क्लोज करेंगे, और ये डोर है इसके माध्यम से आप ऊपर आ पाएंगे, ये मैंने छत यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये बेहतरीन से 18x48 फिट में एक घर का नक्शा बनकर रेडी हो जाता है, जो आपके लिए एक सूटेबल घर है, एक लो बजट घर है। और 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं अगर दुकान को छोड़ दें, कार पार्किंग मिल जाती है, लेट बाथ सब कुछ मिल जाता है। इसके ऊपर आप जब बनाएंगे तो और भी आपको एरिया मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू।